मलिका, जो होना था वो हो चुका, अपने आप को और दुख मत दीजिए। दुख कैसे ना हो सिलेदार, मुराद मेरे साथ ऐसा करने का सोच भी कैसे सकते हैं? ये बात मैं समझने से कासर हूं, और आपसे भी क्या कहूं, आपको भी सब मालूम था, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। मुझ पे यकीन कीजिए, मुझसे आकर इस बारे में मशवरा नहीं किया, और वैसे भी प्रिंसेस को इस निकाह से कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ भी कर ले, वो कभी मां नहीं बन सकती मेरी मलिका। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्रिंसेस आका को कभी भी एक शहजादा नहीं दे सकती, लेकिन बांझ होने के बावजूद आका उसे इतनी अहमियत देते हैं, ये बात मेरी समझ से बाहर है। आका के फैसले पे सवाल उठाने वाले हम कौन होते हैं? हमारा फर्ज है कि हम उनके फैसलों को कबूल करें। मेरी मलिका, हरगिज कोई गलत कदम मत उठाइएगा, वरना अंजाम बुरा होगा। कमानकश आगा, तुम तो जानते ही होगे, क्योंकि तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जो आका के सबसे करीब हैं। मैं क्या जानता होऊंगा फरहत आगा? सुल्तान मुराद को आखिर हो क्या गया है जो उन्होंने इतने सारे बेगुनाहों की जान ले ली, वो भी एक खातून के लिए? अदब से बात करो फरहत आगा, तुम जिसे सिर्फ खातून कह रहे हो वो आका की निकाह याफ्ता सोचा है, उनके खिलाफ कुछ कहा तो जुबान काट ली जाएगी। क्या कसूर था उन मासूमों का जो उनके साथ ये जुल्म किया गया, और जिस तरह से ये जुल्म आगे बढ़ रहा है ये कोई खैर की अलामत नहीं है। क्या बात है, खुल के बताओ मुझे। सुल्तान मुराद जब इलियास पाशा के पीछे गए थे तो वो नौसिखियों और सिपाहियों को भी अपने साथ नहीं लेकर गए, वो भी उनके साथ जाना चाहते थे। फरहत आगा, बरगमा कले तक जल्दी पहुंचना था, इसलिए पाया तख्त के सिपाहियों को नहीं ले जाया गया। सही वक्त आने पर सिपाही जरूर सफर पे जाएंगे, और तुम्हारा काम है उस वक्त तक सिपाहियों में तहम्मुल बरकरार रखना। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ सिपाही ऐसे हैं जिन्हें संभालना मुश्किल है। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि जब आका को हमारी जरूरत नहीं है तो हम क्यों उनका साथ दें, और उन्होंने आवाम से रिश्वत भी लेना शुरू कर दी है इससे पहले कि वो बगावत पर उतर आए। हमें ये मामला हल करना होगा, वरना ये आका के लिए परेशानी का बाइस बनेगा।
इजाजत है। मुफ्ती साहब, ये हुजूम तो बढ़ता ही जा रहा है और ये सब उन मासूमों को कत्ल करने की वजह से हुआ है। अवाम को रोकना मुश्किल हो गया मुफ्ती साहब, अब क्या करेंगे हम लोग? सुल्तान मुराद अपनी वालिदा की बात नहीं सुनते तो मेरी बात क्या सुनेंगे? ये सब यहीं रख दो और उन्हें बता दो, एक एक करके पढ़ूंगा और फिर कोई हल तलाश करूंगा। जो हुक्म आपका मुफ्ती साहब। इजाजत है। सिलेतार आगा। अस्तर खातून, तुम्हारा यहां क्या काम है? मैं तुम्हारी अयादत के लिए आई हूं सिलेतार। तुम्हारे जख्मी होने का सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैं पहले भी आना चाहती थी लेकिन मगर तुमसे मुलाकात करना मुमकिन नहीं था। तुमने देख लिया ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। इस तरह मुझे छोड़ने के पीछे क्या शहजादी अतीका की मोहब्बत है? खामोश हो जाओ फौरन। शहजादियों के बारे में इस तरह की बातें करना मुनासिब नहीं। वो तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार हैं ये तो मैं जानती हूं। उन्होंने मेरा रास्ता रोका और मुझसे कहा कि मैं तुमसे दूर रहूं। तुमने तो जाकर कौसम सुल्तान से शिकायत की थी मेरी कि मेरे और शहजादी अतीका के दरमियान कोई ताल्लुक है। जवाब तो अस्तर। तो क्या नहीं है? नहीं। तो फिर किसकी खातिर मुझे? अस्तर, चली जाओ यहां से फौरन और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आगाओ मुझे तो मालूम भी नहीं था आका कले ले गए थे गलाता कले और वहां हमारा निकाह हुआ जिस दिन का मुझे सबसे ज्यादा इंतजार था। मेरी दुआ है कि तुम्हें भी ये दिन देखना नसीब हो। इंशाल्लाह। मेरे भाई आका तुम्हें कितनी अहमियत देते हैं ये तो सबने देख ही लिया हो। आज के बाद तुम्हारे सामने कोई भी गलत बात नहीं कर पाएगा लेकिन मुझे इसका यकीन नहीं। ये निकाह लोगों का मुंह बंद करने के बजाय सूरत हाल और बिगाड़ देगा। लेकिन ऐसा क्यों? क्या तुम कवानीन से नावाकिफ हो अतीका? अगर किसी खातून के यहां शहजादा ना हुआ हो तो उससे निकाह करना मुनासिब नहीं।
मैं तो सिर्फ तुम्हें हकीकत से आगाह कर रही थी। कोई माने या ना माने, अब हकीकत यही है। फारिया सुल्तान, वालिदा सुल्तान आपसे अपने हुजरे में मिलना चाहती हैं। इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। वालिदा सुल्तान, बहुत मुबारक हो फारिया। मेरे हुक्मरान बेटे ने तुम्हें जौजगी में लेके तुम्हें इज्जत बख्शी है। अब तुम्हारा असल मुकाम इस महल में होगा। इंशाल्लाह यह निकाह खैर का वसीला बनेगा। मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूं वालिदा। मैं अगर मुझे मालूम होता तो मैं इस निकाह को मंसूख करने की पूरी कोशिश करती, लेकिन तुम्हारे साथ होने वाले हादसे के बाद मैंने इसे जरूरी नहीं समझा। लेकिन एक बात जान लो, इस महल में बगैर औलाद के तुम्हारी कोई अहमियत नहीं होगी। और आका की तुमसे निकाह करने की वजह भी यही है, तरस आ गया तुम पर। अगर आपका मकसद मेरे जख्मों पर नमक छिड़कना है तो मैं तैयार हूं। मसल दीजिए, तकलीफ पहुंचाइए, नहीं रोकूंगी आपको। लेकिन ये याद रखिएगा, मुराद ने ये निकाह मुझ पे तर्स खा के नहीं किया, बल्कि इसलिए किया है क्योंकि वो मुझसे बेहद मोहब्बत करते हैं। और यही सच है। जिसे तुम मोहब्बत कहती हो वो नजरों का धोखा है। तुम आका के लिए सिर्फ और सिर्फ दिल का बहलावा हो। आयशा तो अपनी औलाद के सहारे जी लेगी, लेकिन तुम क्या करोगी? भूलना मत, बगैर किसी सहारे के तुम जमीन पर पांव नहीं जमा सकती। तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हें मुसीबत में डाल सकता है। लाला जार, फारिया खातून, फारिया सुल्तान को इनके हुजरे में लेकर जाओ। हर चीज कायदे के मुताबिक होनी चाहिए। जो हुक्म मेरी मलिका। मैंने आपके लिए खास जड़ी बूटियों से कहवा तैयार करवाया है। नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मलिका ऐसा मत कीजिए, आप पहले ही खुद को बहुत तकलीफ दे चुकी हैं। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? क्या कुछ नहीं किया मैंने उनके लिए और उन्होंने ये सिला दिया मुझे? कैसे कैसे? शहजादी, मेरी जान। बाबा, क्या हुआ तुम्हें? वालिदा रो रही हैं, चीख रही हैं, गुस्सा कर रही हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, ठीक है? आयशा, ये क्या हाल बनाया हुआ? क्या कर रही हो तुम?
क्या खुशी नहीं दी मैंने? एक सौजा की हैसियत से जो कर सकती थी क्या, फिर भी आपने उस औरत से शादी कर ली। मैंने यही मुनासिब समझा। क्या मैंने आपसे मोहब्बत नहीं की? क्या सवाल करने का हक भी नहीं रखती? जल्द से जल्द अपने आप को संभाल लो, आइंदा इस हाल में ना देखो तुम्हें, और खास तौर पर मेरे बच्चों के सामने। शहजादी, तुम होश में तो हो सिलेदार? अगर तुम्हें यहां किसी ने देख लिया? अगर कोई देखता है तो देखने दीजिए, अब मुझे किसी का खौफ नहीं। वो तो नजर आ रहा है सिलेदार, लेकिन मुझे खौफ है। मैंने तुमसे कहा था कि अतीका बहन है मेरी, और उसे धोखा देना नामुमकिन है। मुझे मालूम है कि इसका नतीजा क्या होगा मेरी शहजादी। ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि मेरी जान ले ली जाएगी। मैं उसके लिए भी तैयार हूं। मेरे जज्बात पे मेरा इख्तियार नहीं। क्या आपको है? मुझे जो कहना था कह दिया। शहजादी, उस रोज आप मेरे हुजरे में आई, मैं बिस्तर पर पड़ा था, लेकिन मैंने आपका वजूद महसूस किया, और जब मेरी आंख खुली तो मेरे हाथ में आपका रुमाल था। हाँ, आई थी मैं, लेकिन सिर्फ तुम्हें अलविदा कहने के लिए आई थी सिलेदार। और ये रुमाल उस वक्त दिया जब मैंने अलविदा कहा, और आज के बाद तुम मेरा चेहरा नहीं देख पाओगे। अगर ऐसा है शहजादी, तो ये रुमाल आप भी रख लीजिए। और आइंदा मैं आपके सामने कभी नहीं आऊंगा, ये मेरा वादा है।
इजाजत है। मुफ्ती साहब। आओ सिनान पाशा। बाहर तो लग रहा है जैसे कयामत आ गई। शिकायतें आना कभी भी बंद नहीं होती, ये आवाम की मजबूरियां हैं। सुल्तान मुराद ने खुद अपने हाथों से किले की ईंट गिराई है, उलमा की मदद के साथ ये शुक्ल और बढ़ जाएगा। उलमा को कौन सुनता है, सब यहिया अफंदी की बात को सुनते हैं। उनको तो सभी जानते हैं, वो सुल्तान मुराद के खिलाफ कुछ नहीं सुनते, हर मामले को बड़ी आसानी के साथ छुपा लेते हैं। मैं जानता हूं, और इसी वजह से ये बात बहुत जरूरी है कि हम हर एक मकाम पर अपने आदमियों को जगह फराहम करें। शेखुल इस्लाम की हैसियत से आपके पास मौके होते हैं कि आप ऐसा कर सकें। यूं अचानक काजियों को उनके वजीफों से हटाकर दूसरों को उनकी जगह पर बैठाना शक पैदा कर सकता है। मैं ये नहीं जानता कि मैं ये काम कैसे करूंगा। इसकी जरूरत ही नहीं होगी मुफ्ती साहब, वो मुकाम तो वैसे ही खाली हो जाएंगे, बाकी मैं संभाल लूंगा। मैं अपने इर्द गिर्द इतनी खूबसूरत चीजों को पहले महसूस नहीं कर सकता था इब्राहिम। जो वक्त तुमने तन्हा गुजारा है उसने काफी बदल दिया है तुम्हें कासिम, और मैं ये नहीं जानता कि ये सही हुआ है या गलत। ये तो मुझे भी नहीं मालूम। कासिम कैसे हो मेरे भाई, खैरियत से होगे इंशाल्लाह। मैं ठीक हूं बेअज़त, शुक्रिया। अगर कोई और बात नहीं है तो तुम जा सकते हो, हम कुछ खास बात कर रहे थे। ठीक है, तुम लोग बात करो। क्या हुआ इब्राहिम, बेअज़त को तो तुम बहुत पसंद करते थे। कासिम वो तो यूं बर्ताव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और जानते हो कासिम, वो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इब्राहिम ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, एलानोर के बारे में बताया था उसे ताकि वो तुम्हें इस मुसीबत से बचा ले, और उसने मुझसे वादा किया था कि किसी को नहीं कहेगा, लेकिन वादा वफा ना किया, मौका मिलते ही उसने मुखबरी कर दी। चलो आइए। यह आपका हुजरा है, और आज के बाद से हरम के दस्तावेजात में आपका नाम आका की जौजिया की हैसियत से लिखा जाएगा। महीने में आपको 1500 सोने की अशरफियां मिलेंगी और साथ ही, और ये सब आका ने आपके लिए निकाह के तोहफे के तौर पर भिजवाया है।
कितना खूबसूरत है। आपकी खिदमत में कनीजें और आगा होंगे जो आपकी हर तरह से खिदमत करेंगे। प्रिंसेस। नो नो, अब मैं प्रिंसेस नहीं सुल्तान बन गई हूँ। वो तो आदत है ना मेरी सुल्तान, निकाह की खबर सुनकर मैं तो खुशी से पागल हो गई थी। लाला जरकाल्फा, मादाम का क्या होगा, क्या ये इस महल में रह सकती हैं? अफसोस मेरी सुल्तान, इस महल के कायदे कवानीन के हिसाब से इन्हें पहले काल्फा बनना होगा। मादाम सालों से मेरे साथ हैं और ये महल के कवानीन बखूबी जानती हैं। हमारे महल के आदाब और कवानीन मुख्तलिफ हैं आपके महल से, तो वो इन्हें सीखने होंगे। मेरी सुल्तान आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्द सीख जाऊंगी ये सब। इजाजत है। अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे कुछ खास बात करनी है आपसे मेरे आका। कहो कमान कश। नौसिखियों की छावनी से कुछ बातें सुन के आया हूं। वो काफी अरसे से सफर पे नहीं गए, इसलिए उनके बीच खलबली मची हुई है। मैं ये नहीं जानता कि इस बात में कितनी हकीकत है। सुना है कुछ नौसिखिए आवाम से खर्चा ले रहे हैं। पहले सिपाही और गुलाम बागी थे और अब ये नौसिखिए बगावत पर उतर आए। तुम तो हमेशा छावनी में उठते बैठते हो कमानकश, इस बात की खबर तुम्हें पहले क्यों नहीं हुई? वो गद्दार कौन है? मेरे आका, गद्दारों के मुतालिक अभी कुछ नहीं मालूम, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो मैं तहकीकात करना चाहूंगा। जल्द मालूम करो आखिर कौन है वो गद्दार। जो हुक्म मेरे आका। एक बात और है, जिनके सर कलम हुए उनके रिश्तेदार गलियों में निकल आए हैं और उनमें से कुछ शिकायत करने के लिए शेखुल इस्लाम के दरवाजे पर धरना दे रहे हैं। देखो देखो कौसम सुल्तान आ गई। कौसम सुल्तान, कौसम सुल्तान, अब हमारा क्या होगा? हम नहीं जानते, आप ही बता दीजिए। पूछो खातून। मेरा शौहर भी उनमें से है जिनको कत्ल कर दिया गया, लेकिन जिस दिन ये वाकया हुआ वो तो वहाँ मौजूद ही नहीं था, लेकिन फिर भी जान ले ली गई उसकी। एक लम्हे में मुझे बेवा और मेरे बच्चों को यतीम कर दिया गया। ऐसी कितनी ही औरतें मौजूद है यहाँ मलिका, आप ही बताए अब हमारा क्या होगा, क्या होगा मलिका? इंसाफ हमेशा अंधा और बेरहम होता है खातून। जो हुआ वो हमारे आका के हुक्म से हुआ। जिन बेकसूर लोगों की जान गई उसका दुख है हमें। अब तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जो भी जरूरियात है उसे हम पूरा करेंगे, ये हमारा वादा है तुम लोगों से। अल्लाह हमेशा खुश रखे आपको। मेरी बात सुनिए, हर एक ये बात सुन ले और जान ले कि इसके बाद जिसकी भी जो परेशानी होगी उसे मैं खुद हल करूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। एक भी शख्स यहाँ पर बेघर नहीं रहेगा, हर एक की जरूरत को पूरा करेंगे हम। मलिका जिंदाबाद, अल्लाह आपको सलामत रखे।
मलिका। क्या वो लोग आ गए? आ गए, आपका इंतजार कर रहे हैं। हाजी आगा, हाजी आगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेनाम? कासिम सुल्तान से जरूरी बात करनी है मुझे। क्या ये भी कोई मौका है? मलिका इस वक्त तुमसे बात नहीं कर सकती, चलो आओ मेरे साथ, चलो। मैंने पहले ही बता दिया था मोहतरम, ये तुमसे नहीं होने वाला। इतने पैसे जाया कर दिया, आखिर हासिल क्या हुआ? वो क्या कहावत है, पर कट गए। हाँ, इसको कहते हैं पर कट गए। बस बहुत हो गया ओलिया, मेरा पीछा छोड़ भी दो। अरे क्या हो गया मोहतरम? अल्लाह अल्लाह, तो तुम हमें अपने पीछे क्यों लगाते हो? तुमसे नहीं होगा, मैंने तुमसे कहा था। बड़ा आया पर बना के हवाओं में उड़ने वाला, किसी दिन अपनी जान ले लेगा खुद अपने हाथों से। ये कूद ना जाए कहीं। जफर, मुफ्ती साहब आप तो हमारी बात सुन लीजिए, सुल्तान मुराद के जुल्म के सामने खामोश ना रहे। क्या सुल्तान मुराद हमारी छोटी सी गलती पे भी जान ले लेंगे? उन मासूमों का क्या जुर्म था जो उन्हें कत्ल कर दिया गया? मेरे आका मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इनके मुंह से जबान खींच लूं। मेरे आका सिनान पाशा, तुम्हारा यहाँ क्या काम? जब मैंने इस हंगामे का सुना तो सोचा खुद आकर देख लो। एक तो इन लोगों ने गलती की है और ऊपर से यहाँ आकर फौजियों को भड़का रहे हैं। मुफ्ती साहब का सुकून भी गारत कर दिया है काफिलों ने। मेरा जो मकाम है उसकी वजह से मेरा दरवाजा आवाम के लिए हमेशा खुला है। तो तुमने निकलकर बात क्यों नहीं की उनसे? मैं उन्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो करना है फौरन करो मुफ्ती आफंदी, और मेरे पास इसके लिए ना तहमुल है और ना ही वक्त। नौसिखे भी फसाद के लिए अपने पर तोल रहे हैं। बस नौसिखे ही रह गए थे, हमारे आका जरूर कोई तदबीर सोचेंगे। आका जिस तरह से सारे मामलात हल कर रहे हैं, मैं जानती हूँ कमान कश, किसी को बर्दाश्त नहीं करते। जो भी उनके सामने सर उठाता है उसका सर कुचल देते हैं, और यही एक दिन हमारी मुसीबतों का सबब होगा। मेरे सुल्तान, जिस रफ्तार से आप आगे बढ़ रही हैं, याद रखिएगा कि अक्सर तेज चलने वाले अपने कदमों में ही उलझ जाते हैं। तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम अपने बारे में सोचो। तुम तो इतनी कमजोर बर्फ पे चल रहे हो कि अगर वो बर्फ चटक गई तो डूबना ही तुम्हारा मुकद्दर होगा। वो दोबारा दौलत के जरिए रियाया और फौज का मुंह बंद करना चाहती है। वो इस सूरत हाल में पहले भी सोने की अशरफियां तकसीम कर चुकी है, और इस बार भी यही जरिया इस्तेमाल करेगी। हमें इस जरिए से जान छुड़ानी होगी, वरना हमारी सारी कोशिशें जाया हो जाएंगी। जो चाहती थी वो हो गया। आका के दिल में जहर भर के तुम कामयाब हो गई। तुम किस मुंह से मेरे सामने खड़ी हो? काश उस रोज तुम्हारे बच्चे के साथ तुम्हें भी मार दिया होता। तुम क्या कर रही हो? तुम आज बचोगी नहीं मुझसे। आयशा,